भारत में कुल जनसंख्या का 54% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 15% है। इसका मुख्य कारण है किसानों के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था का अभाव। भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग 40% हिस्सा ही सिंचित है, शेष कृषि मानसून पर निर्भर। वर्ष में 2 से 3 महीनों की अनिश्चित वर्षा पर टिकी कृषि प्रायः सूखे की स्थिति का सामना करती रहती है और किसान असहनीय पीड़ा का। विदर्भ, मराठवाड़ा, कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट आदि क्षेत्रों में किसानों को साल दर साल सूखे की मार झेलनी पड़ती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की उपलब्धता नहीं होने से बेरोजगारी और पलायन, साथ ही तेजी से विकास कर रहे भारत में आर्थिक उन्नति के साथ सभी क्षेत्रों में पानी की मांग बढ़ रही है और इस विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की समस्या को समाप्त करने की एक ठोस पहल। 1 जुलाई 2015 से संपूर्ण भारत के लिए प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आमदनी को दोगुना करना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PMKSY, एक नया विचार और नई कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और कार्यक्रम एक साथ मिलकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग एवं कृषि और सहयोग विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। PMKSY में शामिल हैं विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CAD, सूक्ष्म सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम WDC-WM और इनके साथ जुड़ा है रोजगार कार्यक्रम मनरेगा। सभी मिलकर सुनिश्चित करेंगे हर खेत में पानी और किसान के लिए उज्जवल भविष्य। देखो सब लोग पूरे काऊ को पानी कमी नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्राथमिकता देती है जिला सिंचाई योजना यानी डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान DIP को। DIP के आधार पर ही PMKSY की परियोजनाओं का चयन और क्रियान्वयन करने का प्रावधान है। उसी तरह राज्य सिंचाई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि PMKSY में राज्यों की प्राथमिकताओं को वरीयता प्रदान की जा सके। 1996 से चल रही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के अंतर्गत 297 परियोजनाओं में से 149 अधूरी रहीं और किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। PMKSY ने इनमें से प्राथमिकता के आधार पर 99 अधूरी परियोजनाओं, जिन पर अब तक 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, को चुनकर यह तय किया कि इन्हें कमान एरिया विकास एवं वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यों के साथ दिसंबर 2019 तक मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। इनमें से 31 परियोजनाएं जून 2018 तक पूरी कर ली गई हैं, अन्य 32 परियोजनाएं जून 2019 तक पूरी कर ली जाएंगी तथा बची हुई सभी परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा करने की योजना है। इन परियोजनाओं पर कमान एरिया विकास कार्यों सहित लगभग 77,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नाबार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में धन की कमी नहीं हो। राज्यों में इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण की ब्याज दरों में छूट देने का निर्णय किया है। इन परियोजनाओं से
76 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। कमान एरिया के बचे हुए हिस्सों में विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे और उसकी समस्त क्षमता का उपयोग हो सके। 2016-17 और 2017-18 के दौरान इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिनमें 8,688 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में दिए गए। अतिरिक्त 8,160 करोड़ रुपए नाबार्ड द्वारा राज्यों को उनके हिस्से की भरपाई के तौर पर उपलब्ध कराए गए और बची हुई राशि राज्यों ने अपने बजटीय प्रावधानों से खर्च की। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है हर खेत को पानी। AIBP परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में जल वितरण के लिए मुख्य नहरों, सहायक नहरों, शाखा नहरों और वितरण प्रणालियों के साथ प्रत्येक खेत तक फील्ड चैनलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। वाटर कोर्स को किसान के खेत तक ले जाकर सिंचाई सुविधाओं की श्रृंखला पूरी की जा रही है। कमान क्षेत्रों के साथ चल रहे विभिन्न आधारभूत सिंचाई संरचनाओं के निर्माण एवं तकनीकी निवेश से खेती करने के तौर तरीकों और फसलों के चुनाव में व्यापक बदलाव देखा जा रहा है। अब सिंचित क्षेत्र के कम से कम 10% में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना अनिवार्य है। जहां भी संभव है वहां दबाव युक्त पाइप सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। भूमिगत पाइप वितरण प्रणाली को अपनाकर ओडिशा में 2,970 हेक्टेयर एवं महाराष्ट्र की परियोजनाओं में 2,060 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित होने से बचा लिया गया। इससे लागत में भी 1,050 करोड़ रुपए की बचत हुई। अन्य राज्य सरकारों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमें यार ढाकन ने खेती बे वक्त ली है, बराबर एक चौमासा ने एक उनाड़ा ने, तेनु पानी हमें नर्मदा कैनाल माथी ले सकती है। अब भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है। कमान एरिया विकास एवं वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यों के पूरा होने पर सिंचाई व्यवस्था के नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार जल उपभोगकर्ताओं के संगठन को देना अनिवार्य शर्त है। ओडिशा में सिंचाई प्रबंधन में पानी पंचायत की भूमिका को स्वीकार किए जाने से पानी की बचत होने लगी है। इस प्रकार की अनेक नई तकनीकों और विचारों को स्वीकार किया जा रहा है ताकि किसानों तक लाभ पहुंचे तथा ग्रामीण इलाकों में समुचित समृद्धि आ सके। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं से असंबद्ध क्षेत्रों में 10 लाख कृषि तालाबों के विकास का लक्ष्य रखा, जिससे कृषि, पशुपालन, भूजल स्तर में वृद्धि एवं मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। 2017-18 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने नाबार्ड के अंतर्गत एक लक्षित सूक्ष्म सिंचाई कोष की घोषणा की। 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना PMKSY का एक महत्वपूर्ण घटक है। भूजल की कमी से जूझ रहे देश के 2,200 ब्लॉकों में चेक डैम और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। परियोजना का लाभ उठाते हुए किसानों ने सूखे बोरवेल को नहर के पानी से रिचार्ज किया तथा दूर दृष्टि के साथ ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपनाकर बागवानी का विकास किया। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लंबे संघर्ष के बाद सूखे से निपटारा पाने में जुटा है। इन तकनीकों का उपयोग कर रामथल कर्नाटक, संचौर राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में चल रही योजनाओं से सिंचित भूमि क्षेत्र 70% तक बढ़ा है और किसानों की आमदनी लगभग दोगुनी हुई है। वर्ष 2015 से अब तक 23,33,000 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को स्थापित किया गया है। ఇది మనకు చాలా స్వీట్ ఉంటుంది కాయి, చాలా క్రాప్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది, మనకు తోట కూడా బాగుంటుంది. దీన్ని మనం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా చేస్తున్నాము. నేను దానిమ్మ 10 ఎకర్స్లో పండిస్తున్నాను సార్. దానికి వచ్చేసి ఇన్కమ్ 15 లక్షలు వచ్చింది సార్.
पहले से चल रहे इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की दशा और दिशा बदलकर इसे PMKSY के अंतर्गत शामिल किया गया है। मळे नीरन प्रकृतियन्न हिडिटिकोंडु इदन्न नावु अर्ध बंडवाळ हाकि जलानयनदल्लि कट्टे माडि बेळेगे उपयोगिस्तीवि। रिज टू वैली अवधारणा के साथ भूमि संसाधन विभाग का वाटरशेड डेवलपमेंट कार्यक्रम विभिन्न कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए उस जल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निरंतर आजीविका अपनाने में मदद कर रहा है। ग्राम सभा की वाटरशेड समिति ही क्रियान्वयन संबंधी सभी निर्णय लेती है। WDC PMKSY में शामिल राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं तथा जमीनी कार्यकर्ताओं को तकनीकी सहायता देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 2016 से 2022 तक के लिए 10 भागीदार राज्यों में नीरांचल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देश स्तर पर डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग तकनीकों, प्लानिंग, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा का उपयोग कर इस योजना का एप्लीकेशन आधारित रियल टाइम प्रबंधन किया जा रहा है। PMKSY में सिंचाई के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं हरित क्षेत्र में वृद्धि जैसे अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। साथ ही भूमिहीन लोगों की जिंदगी में बड़े परिवर्तन हुए हैं। 550 किलोमीटर छोड़ के यहाँ आए, यहाँ ये गुजरात की नर्मदा किनाल हुई ने, उसके बाद यहाँ अच्छा होता है, यहाँ घास चारा मेरे को मिल जाता है। PMKSY का बल है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का निर्माण पूरा हो जाए उनमें साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल प्रबंधन, फसलों एवं कृषि पद्धतियों का चुनाव का अवसर देने वाली इस परियोजना का विशेष बिंदु है जमीनी स्तर पर जल उपयोग समूहों तथा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन की निर्णायक भूमिका में किसान का होना। मंत्रालय ने PMKSY के अंतर्गत चल रही प्रत्येक योजना की निगरानी के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन का निर्माण किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय प्रत्येक योजना की स्थिति और किए गए व्यय से संबंधित सभी जानकारियां ले सकता है। खेती किसानी से गहरे जुड़े समाज की खुशियां सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर। आंध्र प्रदेश के मनेल्ला गांव में भारतीय परंपरा के नववर्ष उगादी का उल्लास। नई फसल से बना प्रसाद उगादी पचड़ी प्रतीक है जीवन के तत्वों का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन से निकला है अंत्योदय सिद्धांत, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने का रास्ता दिखाता है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक प्रयत्नों से सन 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी के इस भागीरथ प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री नितिन गडकरी, मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन किसानों को भी खेती की ओर वापस लाने की बहुत बड़ी उम्मीद है जो सिंचाई सुविधाओं की कमी से खेती छोड़ रहे हैं। किसान संपन्न होगा तो देश समर्थ होगा। किसान को जल सुनहरा कर, संपन्न किसान भारत की शान।